विपक्षी एकता के नाम पर बना इंडिया गठबंधन में आपसी लड़ाई होनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद अब कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अजय राज ने भी जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने स्वयं 6 सीटों की बात की और अपनी पहली लिस्ट में 7 प्रत्याशी उतार कर अपनी ही बात से पलट गए, उसके बाद और 20 से 22 सीटों पर लड़ा रहे हैं, तो आखिर अपनी ही तो बात है, उसने पर पीछे हट गए। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सपा को सीटें नहीं दी। इससे नाराज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे धोखेबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन को सीट देने के आश्वासन के बाद भी मुकर गए ना, वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थी, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में, उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। इसराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक, क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया, वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी का जो बयान है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश को जोड़ने का काम कर रही है, सभी राजनीतिक दलों को जो समान विचारधारा के लोग जो ये कहते हैं कि हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना के पक्ष में, हम युवाओं किसानों के मुद्दे पर है, तो ऐसे सभी दलों को हम एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय अखिलेश यादव जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गठबंधन धर्म में शोभा नहीं देता और एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। हम कहते ठीक है, हमें आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो हरा